मंदिर में वेंकट भट्ट जी से मिले। वेंकट भट्ट जी वहाँ के पुजारी थे और उन पुजारी जी को श्रीमन महाप्रभु ने अपने दिव्य दर्शन दिए। कैसे दिव्य दर्शन? कि उन्हें नारायण की जगह शेष शैया पे श्रीमन महाप्रभु विश्राम करते हुए दिखे और श्रीमन महाप्रभु के स्थान पे उन्हें स्वयं नारायण दिखे। तो उस समय अभी वो उनको जानते भी नहीं थे वेंकट भट्ट, लेकिन उसी समय उसी क्षण ये दृश्य देख के श्रीमन महाप्रभु की ये अतिशय कृपा देखकर, पार्षद हैं श्रीमन महाप्रभु के गोपाल भट्ट और गोपाल भट्ट जी के पिताजी हैं वेंकट भट्ट, इसीलिए पहले दर्शन में ही ऐसी विशेष कृपा उन्हें दर्शन प्राप्त हुए और वो देख के मुग्ध होके उन्होंने वहाँ से जो भगवान की प्रसादी वस्त्र इत्यादि तुलसी थी वो सब लाके श्रीमन महाप्रभु को दी। श्रीमन महाप्रभु को अपने घर लेके गए। वहाँ पे अगले दिन एकादशी थी, उन्होंने श्रीमन महाप्रभु को बताया कि जो ये हमारा ये स्थान जो है, ये स्थान वृंदावन से कम नहीं है, इसे दक्षिण का वृंदावन बोला जाते हैं। श्रीरंग जी के जो मंदिर है वहाँ पे, उसको श्रीरंगम को दक्षिण का वृंदावन बोला जाता है। तो उन्होंने कहा आप एकादशी के दिन ये वृंदावन धाम छोड़ के, ये रंगम स्थान छोड़ के ना जाएं, आप यहीं पे रहें। और एकादशी अगले दिन पूरी हुई, श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने प्रसाद इत्यादि सेवा करी और जब वो फिर जाने लगे तो उन्होंने बोला कि प्रभु इस एकादशी से तो चतुर्मास शुरू हो गया, तो अब चतुर्मास तो आप एक ही स्थान पर सब लोग राह करते हैं, सब सन्यासी, तो आप कृपया करके दास पे कृपा करें और चतुर्मास हमारे घर पे ही रहें और फिर यहाँ से आगे प्रस्थान कीजिएगा। श्रीमन महाप्रभु मान गए, क्योंकि ये रीति ही है, ऐसा होता है कि जो सन्यासीगण हैं वो सब चतुर्मास पे एक स्थान पर रुक जाते हैं, वहीं रह के भजन करते हैं। उसी चतुर्मास का जो लाभ है वो नारद जी को भी अपने पूर्व जन्म में मिला था। आप सब लोगों को ये ज्ञात है, नारद जी की हमने कथा सुनी थी कि नारद जी जहाँ पे थे उनकी माता वहाँ सेवा किया करती थी और चतुर्मास में ही वो सारे संत वहाँ पे रुके हुए थे और चार महीने में ही उन पे ऐसी कृपा हुई कि वो अगले जन्म में नारद जी बने, उन सब की जूठी प्रसाद इत्यादि पाके। और यहाँ पे भी जब वेंकट भट्ट जी ने सुबह श्रीमन महाप्रभु का, द्वादशी में एक रीति भी होती है जो गृहस्थी लोग कम पालन कर पाते हैं, उसका धाम इत्यादि में बड़ी सुविधा से हो जाती है कि एकादशी का व्रत रख के द्वादशी को अगले दिन ब्राह्मण को वो प्रसाद पवा के उसके बाद पाना चाहिए। किसी को भी, किसी संत को पवा के आप पहले भोग लगाएं, किसी संत को वो प्रसाद पवाएं और फिर उसके बाद वो प्रसाद पाएं। तो वैष्णवों में ज़्यादातर देखा जाता है कि इस प्रकार का जो नियम है वो वैष्णव जन नहीं करते। नहीं करते का मतलब दो तात्पर्य हैं, एक नहीं करते क्योंकि वो वैष्णवगणी है, लोगों को उन्हें आके खिलाना चाहिए एक प्रकार से, तो इसलिए नहीं करते तो भी ठीक है, पर एक प्रकार से करना इसलिए भी चाहिए कि अपने आप को श्रेष्ठ ना जान के ब्राह्मण को वैष्णवों को प्रसाद पवा के उसके बाद पाना चाहिए। तो वेंकट भट्ट जी ने श्रीमन महाप्रभु को प्रसाद पवाया, उनका उनके चरण उन्होंने प्रक्षालन करे, चरण प्रक्षालन करने के उत्प्रांत जो उनका चरणामृत था वो उन्होंने गोपाल को दिया कि गोपाल ये ले जाओ और ये सब में वितरण कर दो प्रसाद जितने भी भक्त हैं। तो वो गोपाल ने सब में थोड़ा 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 जितना चरणामृत दिया जाता है वो वितरण किया और जो काफ़ी सारा उसके बाद चरणामृत बचा वो सारा चरणामृत जो है गोपाल भट्ट ने स्वयं पा लिया। और बोलते उसी चरणामृत को पाते ही तुरंत एकदम श्री गोपाल भट्ट के भीतर जो है वो प्रेम संचारित हो गया। ऐसा बोला जाता है जैसे हम नरोत्तम दास जी के लिए सुनते हैं, उनका भी श्याम वर्ण था गोपाल भट्ट जी का और ये चरणामृत पाने के बाद उनका भी स्वर्ण वर्ण हो गया था, उसी समय वो उनके प्रेम से चौंक गया था उनका जो वर्ण है वो भी। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी पे भी पहले ही दिन उसी क्षण कृपा हो गई जब उन्होंने चरणामृत पाया। अब श्रीमन महाप्रभु यहीं पे रह के वेंकट भट्ट के साथ रोज शाम को हरि कथा होती, सब कुछ होता और गोपाल भट्ट जो हैं वो विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु के
रात को चरण सेवा करते। जब सब चले जाते, क्योंकि वेंकट भट्ट ग्रस्त हैं, वो चले जाते विश्राम करने के लिए, तो छोटे गोपाल भट्ट दास 11 साल के अभी हैं, ये श्रीमन महाप्रभु के ही कक्ष में रुकते और उनके चरण सम्मान करते, और चरण सम्मान करते हुए उनसे कई कई प्रकार की कृष्ण चर्चा किया करते। और जैसे 10 साल 11 साल का बच्चा होता है, वो कथाएं सुनना चाहता है, स्टोरी सुनना चाहता है, तो वो और उनसे जिज्ञासा से कृष्ण कथा पूछते सुनते, और फिर श्रीमन महाप्रभु ने बोलते कि अब बहुत रात्रि हो गई, अब आप जाके विश्राम करो, तो वो उनके चरण सेवा करके रात को जाते। ये रोज का नियम हो गया कि रात को गोपाल भट्ट उनके चरण सेवा करेंगे, हरि चर्चा करेंगे, कथाएं सुनेंगे, और फिर विश्राम को जाएंगे, और सुबह श्रीमन महाप्रभु जो हैं वो वेंकट भट्ट जी के साथ रंगम मंदिर में, क्योंकि वो तो पुजारी हैं, तो श्रीमन महाप्रभु भी रोज साथ में उनके जाया करते मंदिर में। अब एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने वहां पे देखा कि एक ब्राह्मण जो है वो भगवत गीता लिए रंगम मंदिर में ही और टट जो बड़ी तेजी से पढ़ते जा रहे हैं, और पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से अश्रु भी बहे जा रहे हैं, और वो भगवत गीता पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल एकदम प्रेम से परिपूर्ण जैसे कोई व्यक्ति होता है, प्रेम अश्रु उसके बह रहे। और जो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे वो उनके श्लोकों का जो संचारण था, जो उनके श्लोकों की जो वो बोल रहे थे, वो वोकैबुलरी बड़ी वीक थी, मतलब कुछ श्लोक ठीक से पढ़ नहीं पा रहे थे, कुछ संस्कृत के शब्द ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, कुछ जल्दी जल्दी में सारी गलत मतलब श्लोकों का उच्चारण जो है वो शुद्ध नहीं था। हरि बोल। तो श्लोकों का उच्चारण उनका शुद्ध नहीं था, अशुद्ध वाक्य ही बोले, लेकिन उनके जो भाव थे वो बड़े प्रेम से परिपूर्ण थे, अश्रु बहे जा रहे हैं और बोले जा रहे हैं। तो वहाँ के जितने जो सब आसपास के भक्तगण थे वो बोलते ये रोज का ही है, इसका ही तो पागल है, यहाँ पे आके क्या बोलता है, इसकी समझ भी नहीं आती, पता नहीं कैसे करता है, ये करता है, तो सब लोग उन पर व्यंग्य कसते, मजाक उड़ाते, सब ये करते, सब बोलते। महाप्रभु पूछे ले तार सुना महाशय, कौन अर्थ जानी तुम्हार एता सुख है। श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि इनको अत्यंतिक सुख हो रहा है, बड़े आनंद में पड़ रहे हैं, इनके अश्रु बह रहे हैं। उन्होंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जो बहुत ज्यादा मजाक बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उनको बोला आपको ऐसा कौन सी बात आप इसमें पढ़ रहे हैं महाशय, उनसे पूछा। महाप्रभु पूछिला तार सुना महाशय सुनिए, ऐसी कौन अर्थ जानी तुम्हार एता सुख है, इसका क्या अर्थ आपको समझ में आ रहा है जो आपके भीतर इतना सुख हो रहा है। तो जो वो भगवत गीता पढ़ रहे थे उन्होंने बोला कि प्रभु ये तो मैं नहीं जानता कि इसमें क्या लिखा है, ये तो मैं ठीक से समझ भी नहीं पा रहा कि कौन से श्लोक का क्या अर्थ है, लेकिन एक जब भी ये श्लोक पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे भगवान मेरे सामने खड़े होके अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, वो श्री भगवान का जो कमल मुख है वो मुझे अपने समक्ष दिखाई देता है, वो अर्जुन सुनता हुआ मुझे अपने सामने दिखाई देता है, और जब मैं उनके कमल नयन देखता हूँ, जब मैं उनके मुख को बोलता हुआ देखता हूँ, जब मैं देखता हूँ किस गंभीरता से अर्जुन उनको सुन रहा है और किस प्रेम से भगवान मुस्कुराते हुए अर्जुन को ये बता रहे हैं, तो वो दृश्य देख के मेरे को अतिशय मेरे रूंगटे खड़े हो जाते हैं और मुझे अतिशय सुख होता है ये जब देखता हूं। अब क्या देखने से, बस श्लोक पढ़ने से उनके सामने जैसे वो सीन प्रकट हो गया कि वो देख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये ज्ञान दे रहे हैं, और जब सामने देख रहे हैं तो रूंगटे खड़े हो गए, विकार उनके भीतर आने लगते और प्रेम के अश्रु बहते 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 ये सब सुनने लगते। प्रभु कहे गीता पाठे तुम्हारे ही अधिकार, तुम्ही से जानिए यही गीतार अर्थ सार। उनको प्रभु बोलते हे महाशय ये गीता का अर्थ का गीता का सार जो है वो तो वाक्य में आप ही समझ पाए हो, आप समझ पाए हो गीता के पाठ पे एक तुम्हारा ही अधिकार है। अब जो लोग उन पे व्यंग्य कसते थे, जो मजाक उड़ाते थे, वो सब चुप हो गए, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु को देख के पता लगता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और जब इस कोटि का भक्त जाके उन्हें बोले कि आप
जो पढ़ रहे हो उस पे बस आप ही का अधिकार है। और यूं मालूम होता है कि ये भगवत गीता आप ही को ठीक से समझ में आई है। जब ऐसा बोले तो सब साथ बोले ऐसे हो गए, ये तो ठीक से पढ़ भी नहीं पा रहा। और देखा जाए तो हम लोग भी बिल्कुल अलग बात ही करते हैं। अब मेरे से भी अगर कोई पूछता है तो मैं हर एक को एक ना एक बार आप सबको भी यही बोला होगा कि भाई एक श्लोक पढ़ो रोज, कोई बात नहीं, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें तेजी से जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, आराम से पढ़ो। आप चाहे कोई भी शास्त्र पढ़ रहे हो, चाहे एक पेज पढ़ो, दो पेज पढ़ो, चार पेज पढ़ो, लेकिन आराम से जितना समझ में आए उतना। जो समझ में आए, एक श्लोक भगवत गीता का मैंने कई बार कई लोगों बोला, आप एक दिन में एक श्लोक पढ़ो, भले दो चार दिन में एक श्लोक पढ़ो, थोड़ा चिंतन तो करो। ऐसा हो कि एक श्लोक हमने पढ़ा उस पर थोड़ा चिंतन किया, पढ़ते चले गए। जैसे मैंने बताया था, एक बार मैंने भगवत गीता कुछ लोगों को दी थी, बड़े साल पहले जब नए नए जुड़े थे तो भगवत गीता सबको दी। तो एक हमारे ही रिश्तेदार हैं, उन्होंने फटाफट से 15 दिन के अंदर भगवत गीता ला के मुझे वापस दे दी। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे पढ़ ली मैंने 15 दिन, फटाफट जल्दी जल्दी से मैंने ख़त्म कर दी। तो मैंने कहा रख तो लो, दोबारा पढ़ लेना, कोई घर में पढ़ लेगा। नहीं नहीं नहीं, ये घर में नहीं रखते, लड़ाई हो जाती है। हमने पढ़ ली, पढ़ के दे दिया। तो लोगों को ऐसा माने बस, और नहीं तो पढ़ाई तो बस पढ़ा। अब अगर कोई नहीं भी वापस करे, नहीं भी ये सोचे, तो भी लोगों का ऐसा मानना होता भगवत, वो तो मैंने एक बार पढ़ लिया, वो तो पढ़ लिया कंप्लीशन। और अगर नहीं तो कहीं जैसे कार्तिक में हम पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे वो, तो उसमें क्या करते हैं फटाफट से। अब जैसे अष्टकम हम सब लोग पढ़ते हैं, तो कार्तिक के अंत तक भी किसी को अष्टकम का अर्थ नहीं पता होता कि ये जो अष्टकम हमने पढ़े इसका क्या अर्थ है, जो हमने स्तुति पढ़ी उस स्तुति का क्या अर्थ है, वो पता ही नहीं। तो पढ़ गए फटाफट से ये सब पढ़ना है। तो ऐसे पढ़ने का वो लाभ नहीं होता। पर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इन ब्राह्मण ने तो, आप सोचोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, आप कुछ और बोलते हो। यहाँ तो ब्राह्मण जो है रोज 18 अध्याय पढ़ रहे हैं भगवत गीता के, वो रोज पूरी 18 अध्याय पढ़ के जाते हैं, और महाप्रभु बोल रहे हैं गीता पाठ तुम्हारा ही अधिकार, तुम ही जानी गीता अर्थ सार। तो बात तो उल्टी हो गई फिर, यहाँ तो हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये महाशय, पर ये महाशय तो गलत है नहीं, ये तो सही पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमें आराम से अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि कोई भी कथा श्रवण जब हम करते हैं या कोई भी शास्त्र अध्ययन जब हम करते हैं, तो उस अध्ययन के बाद, उस श्रवण के बाद मनन आवश्यक है। मनन समझ गए, उसका मनन करें, उसका चिंतन करें, ये हमने क्या सुना है, क्या समझा है, क्या लेके गए हैं, क्या लेके आए हैं, ये क्या समझना है हमने इस कथा से। और मनन क्यों करना है, क्योंकि उनके वाक्यों से जो शास्त्र लिखे गए हैं, जो कथा है, उसके हृदय से जो बात निकली गई है, उससे हम एक कनेक्शन फील कर सकें, कोई संबंध तो बने भगवान से। अब जैसे राधा रसुदा निधि या विलाप कुसुमांजलि, इस प्रकार के जब हम भगवान की लीलाओं का अध्ययन करते हैं, तो वो अध्ययन करने के बाद थोड़ा स्मरण तो, जैसे आज पढ़ा तो अगले दिन माला में वही स्मरण करें, वही लीला जो हमने कल पढ़ी है, और जब स्मरण करेंगे तो बारीकी से समझ में आएगी। दास गोस्वामी अपने मंजरी स्वरूप का रति मंजरी बता रही हैं, ये करना है। पर मेरा स्वरूप भी तो वही है, मैं देखूं कि जब मान लो मैं सेवा करने गया हूं, जब मैं सोचूंगा कि मैं सेवा करने को गई हूं मंजरी स्वरूप में, तो फिर मेरे को उसकी इंट्रीकेसीज पता लगेंगी। जैसे एक बार बहुत पहले की बात है, चिंतन करने लगे ऐसे ऐसे श्याम सुंदर किशोरी जी बैठी हैं और हम लोग शरबत लेके जा रहे हैं, एक सुंदर पेय लेके जिसे बोला जाता है, मैं थोड़ा आपकी अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, शरबत लेके हम लोग गए, रोज शरबत लेके हम लोग पहुँचे। अब मंजरी स्वरूप में शरबत लेके वहाँ पहुँचे तो बस इतने में ही बात अटक गई, अरे कैसे खड़े होना है, मैं वहाँ जाके खड़ा कैसे होऊंगा, कैसे ट्रे आगे करेंगे, पूछेंगे या वो लेंगी, हमें पीछे खड़े होना है या आगे जाके उनके आगे ट्रे रख देनी है, वो आपस में चर्चा करें, मैं बीच में टेबल में रख दूं या मैं पीछे खड़ा रहूं, या मैं वहाँ साइड जाके हो जाऊं, वो मुझे देखेंगी, उन्हें अपने आप से किशोरी जी को पता है कि मैं आ गई हूं बस ये शरबत लेके, या मुझे कुछ झलक देनी होगी, या मुझे अपने घुंघरू बजाने होंगे, या कुछ चूड़ियों की खंकार कर, क्या करूंगा कि उन्हें पता लगेगा, या मानूंगा कि उन्हें पता लग गया है, या अब वो मान लो कोई
आपस में प्रेम से कोई बात कर रहे हैं और मैं बीच में शरबत लेके पहुंच जाऊं तो बात खराब हो जाएगी, और मान लो शरबत चाहिए और मैं पीछे खड़ा रह जाऊं, या मेरी क्या भंगीमा होनी चाहिए, क्या मैं गिलास उठा के दूंगा, क्या मैं होक से उनके लगाऊंगा या वो खुद ले लेंगी, क्या वो पहले ठाकुर जी को पिलाएंगी या मुझे उनको पहले ऑफर करना चाहिए, इनको करना चाहिए, कहीं किशोरी जी को कहूं तो वो कहे तुमने श्याम सुंदर को दिए बिना प्रसादी मेरे को दे रही हो, तुम कैसी मंज रही हो, और अगर उनको दूं तो कहीं श्याम सुंदर कहे किशोरी जी को दिया नहीं, दोनों अब कितनी सारी बातें आ गई, और नहीं चिंतन करो तो रति मंजरी गई, उन्होंने शरबत दिया किशोरी जी को, बात खत्म हो गई, लीला खत्म हो गई। अब लीला से कहां संबंध जुड़ा, संबंध तो तब जुड़ेगा जब अगले दिन चिंतन किया, अच्छा मैं लेके जा रही हूं, और सही बता रहा हूं आप, वो चार पांच दिन लग गए, वो इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि कैसे करनी है, भाई इतने में ही अटक गई बात, अब आप भी चिंतन कर लेना कैसे करेंगे क्या करेंगे, अटक जाएंगे। तो अभी तो कहां मंजरी स्वरूप की सेवा, अभी इतनी हल्की सी सेवा नहीं हो रही कि अच्छा क्या मेरा क्या होगा, क्या घूंघट आगे होगा पीछे होगा, क्या बोल्ड लुक्स में जाएंगे या थोड़ा शर्माते हुए जाएंगे, कैसे जाएंगे, कैसे खड़े होंगे, कैसे भंगिमा होगी, आंख के इशारे कैसे होंगे, आंख नीचे करनी है ऊपर करनी, कैसे कुछ भी नहीं पता, मेरा क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए वो सब कुछ भी नहीं पता। इसीलिए इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है जो हमने पढ़ा। अब हम पढ़ते जाएं भाई आप कितने आए हो, मैं कल चार श्लोक विलाप को सुना दिया, अच्छा मैंने पांच पढ़ लिए, अब कल आए मैंने छह पढ़ लिए, मैं सात पढ़ लिए, वो जब तक कार्तिक खत्म हो मेरी तो राधा रस सुधा निधि खत्म हो गई, चलो ठीक है छुट्टी, अब उसके बाद कौन पढ़ेगा, अभी अभी तो पूरी इतनी मोटी शास्त्र पढ़ लिया हमने और समझ के आई, कुछ भी नहीं आई। और यहाँ पे अगर हम ब्राह्मण को देखें तो ब्राह्मण तो रोज 18 अध्याय पढ़ गया, वो तो कह रहे मेरी तो समझ भी नहीं आ रही, तो मैं तो लेकिन पढ़ रहा हूं। तो अब उन ब्राह्मण को अगर देखें तो उनका संबंध पहले से ही इतना प्रगाढ़ है, उनका स्मरण ऐसे है कि वो भगवान के शब्दों को, भगवत गीता क्या है, भगवत गीता में तो केवल भगवान का उपदेश है, कोई लीला नहीं चल रही, और भगवान के उपदेश मात्र को पढ़ने से उनकी छवि उनके हृदय में आ रही है, ये संबंध है। अब इस बात को समझना, मान लीजिए हमारा कोई प्रिय बड़ा दूर है और या दूसरे देश में है, अपना बड़ा प्रिय है, मान लो अपना ही बच्चा है या अपना भाई है या अपना ही प्रेमी है, और उसका मैसेज आया, तो मैसेज जैसे लिखा हुआ है जब हम वो पढ़ेंगे तो एक स्माइल आ जाती है, क्यों आ जाती है, क्योंकि हमें पता उसने इसी स्टाइल में ऐसे ही बोला होगा, मान लो उसने ऐसे कह दिया अबे चलना तुझे क्या पता, अब जो अबे चलना तुझे क्या पता ये तो पढ़ा है, एक आवाज है अभी चलना तुझे क्या पड़ा, हम कैसे पढ़ेंगे, बिल्कुल उसी स्टाइल में उसने कैसे बोला होगा, हम फील कर पा रहे हैं वो विजुअलाइज है, उसने कैसे बोला होगा, वो कैसे हंस रहा होगा, समझ गए उसकी क्या भंगिया होगी, वो कैसे उसने स्टाइल से बोला होगा, ये हम पढ़ के ही समझ पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमारा ऑलरेडी वहां संबंध है। अब उसको हम ऐसे व्यक्ति को बोले बेटे चार बार मैसेज पढ़ तब तुझे समझ में आएगा मैसेज में क्या लिखा है, उसको चार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गए, उसको पता है, वो आधा पढ़ के भी समझ जाएगा कि वहां वो क्या इशारे से बोल रहा होगा, वो इस समय किस मूड में होगा। यहाँ तो किसी को मैसेज भेजो तो चार बार बताना पड़ता है भैया गुस्से में नहीं भेजा आराम से भेजा है, जबरदस्ती स्माइली लगानी पड़ती है तो वो मान लेगा गुस्से में भेजा आपने, संबंध की कमी है। इसीलिए अगर संबंध होगा तो एकदम तुरंत पता लग जाएगा कि अच्छा ऐसे में ये ऐसे बोलते हैं, ऐसे में ऐसे बोलते हैं, किसी को नहीं तो संबंध हो किसी को गुस्से में भी बोल दो तो आगे से बोल दो इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत, समझ गया मैं ज्यादा इतना बोलने की जरूरत ठीक है, हल्के में भी समझ में आती है, अगर गुस्से से भी बोलो तो, नहीं तो ऐसे भी बोलो तो सामने वाले को गुस्सा लग जाती है, फिर नीचे दो दो स्माइली बना के भेजनी पड़ती है भैया गुस्सा नहीं है, जस्ट किडिंग। तो ये कमी कहाँ है, कमी संबंध में है, संबंध में कमी है इसलिए ये सब करना पड़ता है। हमारे भी भगवान के साथ संबंध की अभी कमी है, हमें ये हमारे स्वरूप से ही संबंध की कमी है, मेरी और किसी से छोड़ो मेरी मेरे स्वरूप से संबंध की कमी है, इसीलिए मेरे को बार बार पढ़ना पड़ता है, इसीलिए मुझे धीरे धीरे पढ़ने की जरूरत है, इसीलिए मुझे अध्ययन के बाद श्रवण के बाद मनन की बड़ी आवश्यकता है, उसको दोबारा दोबारा समझने की जरूरत है। अब हमारा ऐसे थोड़े ना है कि मैंने विलाप को सुमाली पड़ी और मुझे मेरा स्वरूप वहां दिखाई दे रहा है और सेम मैं भी यही यही सेवा कर रहा हूं और ये देख के मेरे भीतर रोमांच आ रहा है, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, इसलिए दोबारा पढ़ना है।
तो यद्यपि वो हमारे लिए अनुकरणीय नहीं है कि भाई अच्छा कोई ऐसे ना समझे हो उन्होंने 18 श्लोक एक बार में पढ़ लिए थे ना, ये 18 अध्याय पूरे, इसीलिए महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें अर्थ समझ में आई है, तो कोई ये समझ के ना चला जाए कि भैया समझ लो आगे से भगवत गीता पूरी एक दिन में पढ़ लो। जैसे लोग बोलते हैं एक दिन में पता नहीं कितनी 10 बार 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लो तो हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे, ये बड़ी भ्रांति है लोगों में, ऐसे है ना। बचपन में मेरे को भी बताते थे कितनी, मैंने भी बड़ा कोशिश करा था 100 बार एक दिन में पढ़ लो, 100 बार बोलते हैं, 100 अगर 100 बार एक दिन में पढ़ लिया हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। पढ़ा हुआ तो इन सब से नहीं होता है, इन सब संबंध जोड़ने से होता है। वो मशीन की तरह पढ़ते चले गए उससे कुछ नहीं होगा, वो तो पशु भी कर सकता है, वो तो तोते भी कर लेते हैं, रट लेते हैं बार बार, उससे लाभ नहीं होगा। हाँ उनकी अवस्था उन ब्राह्मण की अलग है, तो क्योंकि उनका संबंध जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो हमने अध्ययन के बाद मनन के बाद जो हमने करना है वो उस अवस्था पे पहले ही पहुंचे हुए हैं। विप्र कहे, वो विप्र ने श्रीमद् महाप्रभु को बोला, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्द अर्थ ना जानी, वो कुछ स्पष्ट ही बोल रहे हैं, मूर्ख आमी शब्द अर्थ ना जाने, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। जैसे हमने वो वाक्य सुना था ना लक्ष्मण जी का, सारी बात उन्होंने बोल दी नहीं कि मैं ये फाड़ दूंगा, ये तोड़ दूंगा, मैं तुम्हारी पूरी पृथ्वी गेंद की तरह उठा के फेंक दूंगा, और अंत में बोला तब प्रताप बलनाथ, राम जी के समक्ष हाथ जोड़ के, ऐसे नहीं कि बड़े भैया बैठे और मैं अहंकार से खड़ा हुआ और मैंने बोल दिया कि मैं तो आपकी पूरी, सब बोलने के बाद उन्होंने बोला तव प्रताप बलनाथ, आपके बल से ही प्रभु, आपके बल से ये सब दास बोल पा रहा है, वरना मेरे पे कुछ नहीं है। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं, विप्र कहे मूर्ख आमी शब्द अर्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीता पढ़ी गुरु आज्ञा मानी। मैं ये क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने यही आज्ञा दी है कि आप ऐसे ही जाके भगवद गीता पढ़ो, और गुरु आज्ञा का ही ये विशेष रूप से कृपा मानो गुरु आज्ञा की, कि अगर उन्होंने बोला है, जैसे हमने पिछली बार या उससे पिछली बार भी एक किसी चर्चा में ये बात हुई थी कि कई बार ऐसा देखा गया कि कई शिष्यों को गुरु ने कहा आप जाके गौवा चराओ बस, और गौवे चरा चरा के उन्हें सारे वेदों का ज्ञान हो गया, उनको बोला आप केवल सब्जी बनाओ बस, आप सब्जी करो, रसोई करो बस, रसोई करने से ही सारे शास्त्रों का ज्ञात हो गया, परिक्रमा करो बस, परिक्रमा करने से उनको सब हो गया। तो यहाँ पे भी गुरुदेव ने उनको आज्ञा करी, क्या क्या गुरु आज्ञा कर रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने तरफ से हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं नहीं ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, मेरे को ये पढ़ लेना चाहिए, इस टाइम मुझे ये सुनना चाहिए, ये करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, इतनी बड़ी कॉकटेल बना लेते हैं हम लोग कि फिर उसके बाद क्या समझने की आवश्यकता थी, क्या जरूरी था समझने वाला, वो रह गया। एक दिन में बड़े लोग बड़ी बात करके खुशी से बड़े अच्छे से मेरे को कई बार बताते हैं, तो ये बहुत ज़बरदस्त भक्त है, अच्छा जी अभी बता रहे थे क्योंकि बहुत बढ़िया, क्या करते हैं एक दिन में 6-6 कथाएं सुनते हैं। मैंने मन में सोची कोई अच्छी बात थोड़े करते हैं, एक दिन में 6 कथा सुनने का लाभ नहीं होगा, एक दिन में 1 कथा को 6 बार सुन लो बहुत लाभ होगा, बात समझ में आएगी, हर बारी कुछ नई बात समझ में आती है, पल्ले पड़ जाएगी, अच्छा ये बोल रहे हैं। वैसे तो अगर मेरी पर्सनली माने तो एक दिन में 1 कथा को 6 बार भी नहीं सुनना चाहिए, उससे भी क्या होता है डायलॉग याद हो जाते हैं, पिक्चर की तरह आगे अब आगे ये बोलेंगे, अब आगे ये बोलेंगे, अब आगे, पर उसका जो निकलना चाहिए था निष्कर्ष, जो समझना चाहिए था, वो समझ रह जाती है। इसलिए बड़ा अच्छा है कि 1 बार मैक्सिमम 2 बार उसी कथा में 1 बार सुने, उस पर चिंतन करें, चिंतन इंपॉर्टेंट, चिंतन करने के बाद अगले दिन फिर सुने, मैं ऐसे ही करता हूँ, 1 कथा सुनी उस पर थोड़ा चिंतन किया, जब माला करने लगे कि ऐसे ऐसे बाबा ने बोला, ऐसे ऐसे बोला, ये बोला ये बोला, ऐसे होना चाहिए, अगले दिन फिर वो दोबारा सुनी, जब फिर वो दोबारा सुनी तो कुछ जो डाउट बने थे पिछले दिन उसी कथा में से अगले दिन उसी के डाउट का जवाब भी मिल जाता है। ये सुनने का तरीका है, चिंतन करने का, उसको फिर सुनने का, नहीं तो एक दिन में 6 कथा सुन ली, अगले दिन फिर 6 सुन ली, अगले दिन फिर 6 सुन ली, हफ्ते तक माता आपने 40 कथाएं सुन ली, अब उनको बोला अच्छा बाबा की बताना कोई कथा, क्या बोला, तो एकदम ब्लैंक होंगे 40 कथा के बाद भी, अब क्या बोलें, क्योंकि पूरी सारी दुनिया की तो सुन ली,
और यहाँ तो एक को भी नहीं सुनते, यहाँ तो चार लोगों को रोज सुनते हैं। इसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली, उसकी भी सुन ली। वो बोल रहे हैं वृंदावन में जब तक आओगे नहीं तुम्हारा भजन शुरू नहीं होगा। दूसरे कह रहे हैं अगर आप मन से वृंदावन रहे तो कोई बात नहीं, आपका भजन शुरू हो गया। वो तो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, वो सब पकड़ के आ गए भैया आप क्या करना है। उनके हिसाब से भजन शुरू नहीं हो, वो कहते तो भजन शुरू हो गया, वो तो कहते आपकी गृहस्थ में भगवत प्राप्ति होगी, वो कहते आपको वैराग्य लेना पड़ेगा। तो ये तो क्या करें, बात इससे बनेगी नहीं। हम सब लोग ये कॉकटेल जो बना लेते हैं इससे बात नहीं बनेगी। एक चीज सुने उस पर चिंतन करें। गुरु ने उनको बोला आप जाके भगवत गीता पढ़ो, 18 अध्याय पढ़ो, उसके बाद प्रश्न नहीं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं। अब श्लोक भले समझ में आए ना आए, पर समझ में आके जो संबंध जोड़ना था, जो कई वर्षों के बाद जोड़ना था, वो संबंध अभी जुड़ गया। जो कई वर्षों के अध्ययन चिंतन सेवा के बाद जो दृश्य दिखना था, वो दृश्य अभी दिखना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि एज इट इज पालन कर रहे हैं जो बोला है। कोई वेश से संत नहीं होता कि अब ये देखो ये संत है, और ऐसे ही हम किसी पर टीका भी ना करें, ये पागल सुबह रोज उठ के भगवत गीता लेके अपना 18 श्लोक पढ़ लेता है। आप किसी पर टीका मत करो, पता नहीं उसको क्या आज्ञा है, पता नहीं उसकी क्या स्थिति है। अपने पे देखना चाहिए, ये जितनी भी बात है अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं है। कहूँगा देखा मैंने तेरे को बताया था तो रोज ये चार, आप किसी पे मत बोलो, सब अपने लिए है। किसी की क्या स्थिति है हमें नहीं पता। संत कौन है? जो अपने जीवन में संतुलित है वो संत है, अपना जीवन जिसका संतुलित है। और असंत कौन है? जिसका असंतुलित है। बस वो जो संयमित है, जो संतुष्ट है वो संत है। और असंत कौन है? वो असंयमित है, असंतुलित है और असंतुष्ट है, उसको हर चीज में समस्या है। हम आज भी चर्चा कर रहे थे कि भक्ति स्वभाव है, स्वभाव भक्ति नहीं है। स्वभाव तो बड़े प्रकार के होते हैं, सारे भक्ति नहीं बन जाते, भक्ति स्वभाव है। ये संतुलित मन जो है, संतुलित स्वभाव जो है, ये भक्ति है। संतुष्टि जो है ये भक्ति है, संयमित जो है ये भक्ति है। ये सब भजन, भजन का ही स्वभाव है, जिसके अंदर भी ये स्वभाव है। भीष्म पितामह ने अपने आखिरी समय पे एक उपदेश दिया। भीष्म पितामह जब लिए, बिल्कुल यही, ये इसी बात से है, इसीलिए ये बात चर्चा कर रहा हूं। और जब उन्होंने अंत में उपदेश दिया भीष्म पितामह ने, तो उनके जो गुरु थे परशुराम जी, वो लीला समाप्त करके अभी गए हुए, तो परशुराम जी अपने सारे शिष्यों को लेके आ गए कि आज ये उपदेश करने लगे हैं। उपदेश करने लगे तो युधिष्ठिर को, भगवान कृष्ण स्वयं आ गए। भीष्म पितामह का अंत समय है, भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन सबको लेके आ गए। उधर से विश्वामित्र, वो कब के गए हुए, वो आ गए। अंगिरस, वो आ गए। सुखदेव महाराज, वो आ गए। सुखदेव जी के पिताजी व्यासदेव जी, वो आ गए। व्यासदेव जी के पिताजी, वो भी आ गए। पराशर मुनि, सब अपने अपने शिष्यों को लेके इकट्ठे होके आ गए। क्यों, क्या होने वाला है भाई? भीष्म पितामह आज बोलने लगे हैं, अपने जीवन का एक अंतिम संदेश देने लगे हैं। वो सुनना है, वो सुनने के लिए उनके गुरु भी आ गए हैं कि ये क्या बोलेंगे। ऋषिगण आ गए हैं, ब्रह्मा के पुत्र आ गए हैं, सुखदेव महाराज आ गए, व्यासदेव आ गए, व्यासदेव स्वयं भगवान है, वो भी सुनने आए कि आज भीष्म पितामह क्या बोलने वाले हैं। और भीष्म पितामह ने क्या बोला? उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि भैया पांडवों में, पांडव जहां पे युधिष्ठिर जैसे धर्मराज हैं, जहां पे अर्जुन जैसे गांधीवधारी हैं, जहां पे भीम जैसे शक्तिशाली हैं, नकुल, सहदेव जो किसी को भी एक मिनट में ठीक कर सकते हैं, जहां पे कुंती जैसी भक्त है, वो लोग भी अगर हमने देखे तो जीवन पर्यंत कभी ये दुख, कभी ये दुख, कभी ऐसा हो रहा है, कभी ऐसा हो रहा है, ऐसा मिक्सचर जहां एक जगह आके इकट्ठा हो जाए, जहां एक अर्जुन आ जाए वहां दुख नहीं हो सकता, जहां केवल एक युधिष्ठिर जैसा कोई पैदा हो जाए वहां दुख नहीं हो सकता, जहां कुंती महारानी जैसे भक्त हो जाए वहां तो कोई दुख नहीं हो सकता। आप सारे एक जगह हो, और आप सारे एक जगह नहीं हो, ये स्वयं ये कृष्ण भी तुम्हारे साथ ही है, तब भी देखा जाता है कि आपके जीवन में इतने सारे दुख हैं।
कैसी विडंबना, इतने सारे दुख क्यों हैं? क्यों हैं? क्योंकि शायद, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, क्योंकि शायद धर्म की स्थापना के लिए, शायद कलयुग में आगे आने वाली पीढ़ी को ये शिक्षा देने के लिए कि चाहे भगवान साथ में हो, चाहे आपका भजन बहुत अच्छा चल रहा हो, लेकिन तब भी आप ये कभी गारंटी ना लेना कि अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। बाहर से जो दुख और सुख की हवाएं हैं वो चलती रहेंगी, बाहर से सर्दी और गर्मी चलती रहेगी। कोई ये ना समझे कि नहीं जी अब तो इतना भजन हो गया अब दुख नहीं आना चाहिए, कोई इस बात से ना आके कि इतना भजन करते थे ये तो अभी दुखी दुख आ गया, इनके घर तो देखो, इनके घर तो ऐसा हो गया, ये तो इतना भजन करते थे, इतनी कथा बोलते थे, इनके घर तो ऐसा हो रहा है, इनसे तो हम ठीक है, ऐसा कोई ना बोले। इसीलिए जरूरी नहीं है, उन्होंने युधिष्ठिर को बोला कि आपके ऐसे प्रारब्ध ही रहे हो कि आपको ये दुख झेलना हो, ये भी जरूरी नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि हमारे प्रारब्ध होंगे इसलिए ये सब हुआ होगा, लेकिन भीष्म पितामह कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके प्रारब्ध हो सकता है बिना प्रारब्ध के भी आपको दुख मिल जाए, हो सकता है आपके सारे प्रारब्ध खत्म कर दें भगवान एक क्षण में, कुछ भी कर दे आपकी, लेकिन जो श्रद्धा है वो भगवान से नहीं हटी। बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय होना था कि युद्ध होने वाला है, अब युद्ध में भगवान कृष्ण किस तरफ होंगे, दुर्योधन और अर्जुन गए थे कि आप किस तरफ होंगे, भगवान ने बड़ा सरल कर दिया, उन्होंने कहा ऐसे तो लड़ाई झगड़ा होगा क्योंकि सब मुझे लेना चाहेंगे, तो भगवान ने कहा देखो पहली बात मेरी सेना दूसरी तरफ से लड़ेगी सारी नारायणी सेना, और दूसरा मैं लड़ूंगा ही नहीं, सारी मेरी सेना एक तरफ से लड़ेगी वहां मैं नहीं लड़ूंगा, और जहां मैं लड़ूंगा वहां मैं लड़ूंगा ही नहीं, मैं तो कुछ करूंगा ही नहीं। दुर्योधन ने पड़ कोई बात नहीं मेरे को सेना ही दे दो मैं अपना लेके चलता हूँ, आपने लड़ना ही नहीं आपको क्या करना आपने। मगर तब भी अर्जुन की श्रद्धा नहीं हिली, अर्जुन ने बोला मुझे तो आप ही चाहिए हो, आप चाहिए हो बस मुझे, मुझे कोई ये नहीं है कि क्या हार होगी क्या जीत होगी क्या होगा परिणाम, कुछ आप चाहिए हो, आपके शरण में रहना है आपके साथ रहना है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं ये समझना, ये भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि उस समय भी आपकी जो श्रद्धा थी शायद भगवान आपके माध्यम से ये दिखाना चाहते हैं कि जीव की ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि हल्का फुल्का सा सुख दुख आया, यहाँ तो जिसको हम दुख मानते भी नहीं है वो जरा सा किसी ने कुछ कह दिया, जरा सा घर में कोई हल्का सा पति पत्नी में भी आपस में लड़ाई हो गई वो भगवान को गाली देने पहुंच जाते पहले, अब बोलते प्रभु जी आपने ही तो कहा था रीझो तो भगवान से खींचो तो भगवान, तो मैं कह ये थोड़ी कहा था खींचे ही रहो तुम जरा जरा सी बात में पहुंच गए, जरा जरा सी बात में भगवान पक्ष पा दो, वो बोल रहे हैं कितनी बड़ी बात हो गई लेकिन आपकी श्रद्धा कभी भगवान से हटी नहीं। शायद ये भगवान कैसे बताते अगर आपके जीवन में दुख ना होता, लोग बोल देते भैया अर्जुन उनके जीवन में तो कोई दुख ही नहीं था, तो उनकी श्रद्धा रही तो रही, बात तो हमारी है, अब तो लेकिन कोई ये नहीं बोल सकता कौन सा ऐसा दुख है जो पांडवों के जीवन में नहीं आया लेकिन श्रद्धा नहीं हिली। और फिर बीच में पितामह बोलते हैं अब सुनो, अगर कोई ये कहे कि देखो फिर भी कृष्ण रहे तो उनकी साइड ही ना, तो अगर ऐसी बात है तो यहां केशव खड़े हैं, भीष्म पितामह बोल रहे हैं ये जानते हैं कि मेरी इनसे कितनी प्रीति है, और अगर मैं ये कहूं कि इनकी मेरे से कितनी प्रीति है तो आप देख लो मेरे अंत समय में मुझे दर्शन देने के लिए ये आए हैं स्वयं, ये साक्षात मेरे समक्ष खड़े हो गए मुझे दर्शन देने के लिए मेरे अंत समय में, इनकी कितनी प्रीति होगी जो ये आ गए। तो इतनी प्रीति होने के बावजूद इन्होंने इस दास को अपने साथ नहीं लड़ाया, अपने ऑपोजिट टीम में खड़ा कर दिया, तुम वहां से लड़ोगे, क्योंकि इनकी इच्छा रही होगी कि मैं वहां से लड़ा तो मैं वहां से भी लड़ा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और रस तत्व की बात बताऊं तो भीष्म पितामह ने तो बड़ी प्रसन्नता से बोला था अर्जुन तुम घाटे में रहे, तुम्हें तो कृष्ण की केवल पीठ दिखती रही पूरे युद्ध में, फायदे में तो मैं रहा मुझे उनके मुखारविंद के दर्शन होते थे। तो भीष्म पितामह ने बोला कि देखो अपने विपक्ष से मेरे को लड़ाया, और सब जानते हैं कि भीष्म जैसा योद्धा, इस समय वो अहंकार से नहीं बोल रहे, इस समय सब सत्य बोल रहे हैं कि भीष्म जैसा योद्धा जहां होगा
वहां कोई युद्ध हार नहीं सकता। दुर्योधन भी इसी अहंकार में था कि भीष्म जैसे योद्धा जहां होंगे वो हार नहीं सकता। पर कृष्ण ने शायद यही बात दिखाने के लिए आने वाली पीढ़ी को कि भीष्म जैसे योद्धा भी क्यों ना तुम्हारे अगेंस्ट हो जाएं, अगर तुम धर्म का युद्ध लड़ रहे हो तो तुम ही जीतोगे, नहीं तो हम छोटी छोटी बात से यहाँ तो ये सब करना पड़ेगा, जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, नहीं तो चलेगा नहीं, वो सामने ऐसे हो रहा है, वो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब कर रहा है। और यही बात समझाने के लिए भीष्म पितामह को उन्होंने, भीष्म जैसा भी आ जाए तुम्हारे अगेंस्ट, सारे मिलके आ जाए, द्रोणाचार्य भीष्म कृपा सब तुम्हारे अगेंस्ट हो जाए और भगवान मैं हथियार उठाऊंगा नहीं, तब भी तुम युद्ध जीतोगे। शायद ये बात बताने के लिए ही भीष्म पितामह बोलते भगवान ने मुझे विपक्ष से लड़ा दिया। तुम्हारा एक टेस्ट तब लिया तुम्हारी श्रद्धा का जब उन्होंने कहा कि मैं साथ से नहीं लड़ूंगा, मेरा भी एक टेस्ट लिया जब मुझे बोला कि तुम विपक्ष में लड़ोगे। फिर बड़ी सारी बातें हैं कि बीच बीच में उन्होंने कैसे भीष्म पितामह की कितनी कितनी प्रतिज्ञाओं को खत्म किया, लेकिन यही अब भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर ब्रह्मा और शिव भी भगवान की योजनाओं को जान नहीं सकते, उनकी क्या प्लानिंग चल रही है ये कोई समझ नहीं सकता, इसीलिए समय जो है वो भगवान का प्रतिनिधि है, वो जो लेके आ रहा है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, मान लो जो ठाकुर जी कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, जो ये कृष्ण कर रहे हैं ठीक ही कर रहे हैं, तुम किस बात का भी झगड़ा मोल लिए बैठे हो। युधिष्ठिर उस समय मान नहीं रहा था कि भाई मैं अब राजगद्दी पे नहीं बैठूंगा, इस पे तो मेरे सारे पूर्वजों का मेरे खून लगा हुआ है, मेरे भाइयों का खून, ये वो, अब जाके क्या उनके शव के ऊपर कुर्सी रख के बैठ जाऊं क्या मैं। युधिष्ठिर ने बोला, भगवान ने बोली अब एक बार भगवद गीता अर्जुन को सुना चुका, अब तेरे को पूरी नहीं सुनाने लगा, तू चल भीष्म पितामह के पास वो समझाएंगे तेरे को। तो भीष्म पितामह इस समय ने ये, अब युधिष्ठिर फिर झगड़ा ले रहे हो कि ये नहीं कर, कुछ नहीं, अगर वो बोले अभी यहां से उठ एक अपना ले कमंडलू और निकल जा तो निकल जा, बस वही धर्म है। अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं यहां बैठो राज करो तो राज करना, बस यही धर्म है, बस इतनी सी बात ही समझनी है युधिष्ठिर, वो जो बोल रहे हैं वही धर्म है, धर्म की कोई अलग परिभाषा नहीं है। आप अपने लिए सब कुछ अच्छा 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 ही चाहते हो, पर जो समय लेके आ रहा है वो भगवान की इच्छा है, उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर लो, बस यही करना है। उनके तो सामने कृष्ण खड़े थे, हमारे सामने कृष्ण के प्रतिनिधि समय है, टाइम इज इनएविटेबल, वो आ रहा है, जो वो जो जैसा जो समय आ रहा है, जो समय लेके जा रहा है, जो समय दे के जा रहा है, एक्सेप्ट कर लो, एक्सेप्ट कर लो, ठीक है, भगवान की यही इच्छा है। देखो अगर आपको किसी अच्छे भोजन का, किसी अच्छे प्रसाद का, छप्पन भोग का पूर्ण रूप से आनंद देना है, अगर मैंने सोचा कि भाई आपको ये पूरे जो आज बढ़िया प्रसादम बन रहा है, जो आज बढ़िया छप्पन भोग बन रहा है, इसका आपको पूर्ण रूप से आस्वादन मिलना चाहिए, तो एक चीज बड़ी जरूरी है, वो क्या है कि आपको भूख होनी चाहिए। अगर मेरा ये मन है कि भाई आपको बढ़िया से आनंद आए, प्रसाद में मजा आए, तो मैं एक चीज का ध्यान रखूंगा कि मैं किसी तरीके से ऐसी प्लानिंग करूंगा भैया दोपहर को ये कुछ खा के ना आए, शाम को ये कुछ खा के ना आए। हमारे घर कोई आ रहा हो तो भी हम बोलते हैं भाई यहाँ बहुत, अब खा के मना ना घर से, नहीं तो कितने सर्वेश दादा जैसे बोले मैं फैक्ट्री से आया भूख लगी मैं खा के आ गया, तो स्पेशल बोलना पड़ता है भैया खा के मताना, खा के मताना। चीजें कितनी भी अच्छी हो अगर आपके भीतर भूख नहीं है तो फिर मजा नहीं आने वाला। अब ऐसे ही भगवान को अगर आपको कोई आस्वादन देना है, अपनी लीला का आस्वादन देना, कोई भी आस्वादन देना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आपको भूखा रखेंगे। अब वो भूखा रखना भी जो है वो भगवान की कृपा है। अब जब हम भूखे हम उसी समय लड़ाई शुरू कर दे, क्या भगवान दुनिया खा रही है, सबको मिल रहा है, मुझे ही लगा रहे, भैया रुक जाओ यार, थोड़ा रुको तो सही, आगे बड़ा स्वादिष्ट खाना तुम्हें, छप्पन भोग तुम्हें पवाना है, इसीलिए अभी भूखा रखा है, बात समझ गए। इसीलिए जीवन में कई बार कई चीजें बिल्कुल ऐसा लगता है ये मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं, ये नहीं कर पा रहे, भूख बढ़ा रहे हैं आपकी, देना है आपको बड़ा आस्वादन कराना है, उस आस्वादन के लिए ये भूख बढ़ा रहे हैं।
और भगवान तो अपनी एक एक लीला से कई कई प्रयोजन सिद्ध कर लेते हैं। हम जैसे लोग तो हर चीज के पीछे एक कारण होता है, भाई ऐसे करो इस वजह से, ये करा ये करना है तो ऐसे करो, नहीं। और भगवान की तो हम देखते हैं भाई एक एक लीला से कई कई प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अगर वो कृपा करना चाहें तो हम शास्त्रों में कितनी पुराणिक कथाओं में हम सबने कितनी बार पढ़ा है कि वो वेश्यागामी भी था एक, अब भगवान ने कृपा करनी है, वो वेश्यागामी था, वो वेश्या के चक्कर में ऐसा पागल कि खाने पीने की सुध नहीं है, वेश्या के पीछे 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 भागे जा रही है, उसके साथ घूमे जा रही है और आराम से घूम घूम के रात को एक जंगल में पहुंचे एकांत में उस वेश्या के साथ। वहाँ एक पुराना मंदिर था, उनको पता ही नहीं मंदिर था, वो वहाँ पे अपना तेज म्यूजिक चला के दोनों डांस कर रहे हैं, पूरी रात डांस करते रहे, सुबह विमान आया, भगवत प्राप्ति हुई। क्या हुआ भाई? बोले कल एकादशी थी, इन्होंने निर्जला एकादशी रख ली, रात भर मंदिर में नृत्य करते रहे तो भगवत प्राप्ति हो गई। अब देखो, अब भगवान देने पे आए तो ऐसे दे जाते हैं। एक कुत्ते का सुनते हैं, वो कुत्ता जो है वो भी एक एकादशी तिथि में वो भूखे प्यासे बेचारा खाने के पीछे भागता रहा, मिले नहीं। अब कुत्ता तो तड़पेगा, इधर उधर भागेगा, रात भर घूमता रहा। ठाकुर जी ने कहा बीच में तो हमारा मंदिर था, 108 परिक्रमा भी कर ली इसने एकादशी की रात को जाके, भैया ये तो सिद्ध हो गया। अगले दिन कुत्ता भगवत धाम पहुंच गया। कर लो बात, भगवान कृपा करने में। वो दीपदान की कथा आपने सुनी है, वो चूहा जो है वो दीप जलती हुई दीप की घी के चक्कर में बाती अपने मुंह में ले ली और मुंह में, फिर जब मुंह जल गया तो छलांगे मारी। तो ठाकुर जी ने कहा ये तो दीपदान हो गया मेरा, कार्तिक में इस चूहे ने दूपदान कर लिया, वो चूहा भगवत प्राप्ति हो गई। ये एक्सट्रीम बताए गए कि देखो ऐसे भगवान कृपा करने पे आए तो ऐसे कृपा कर देते हैं। चूहे कुत्ते वेश्यागामी सब पहुंच रहे हैं भगवत धाम, भगवान ने कृपा करनी है। जब उन्होंने ठान लिया उन्होंने कृपा करनी है, भाई मैंने इस पे कृपा करनी है भाई, तो करनी है। तो हम इस, और भगवान पक्षपाती भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि पक्षपात करते हैं। तो कहने का तात्पर्य भीष्म पितामह ने, भाई देखो बात तो बड़ी तगड़ी बोली होगी तभी इतने सारे भक्त सब आके, इतने सारे संत महात्मा सब ऊपर ऊपर से आ गए, भगवत धाम से उतर के आ गए, सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव, भैया क्या बोलने वाले हैं ये, क्या ऐसा बात करने वाले हैं। तो वो क्या बात करने वाले हैं? वो ये बात करने वाले हैं कि जो भगवान कर रहे हैं वो सही है, बेफालतू के चक्कर में मत पड़ो, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों ये दिया, उसको क्यों ये दे दिया, मेरा ही क्यों नहीं होता, ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आप पे कृपा ही करनी है। अब पता नहीं हम कौन से कुत्ते और कौन से वो बन जाएं कि हमसे क्या ऐसा करवा दें और उसके बाद ले जाएं, वो तो वो जाने। अब पूरा जीवन कुछ भी कराते, अगर आपकी श्रद्धा है जो ये करा रहे हैं ठीक करा रहे हैं, तो कितना मुश्किल है भगवान का अंत में आपके मुख से हरि नाम बुलवाना, कितना मुश्किल है। और ये तो जगह जगह सब संत बोलते हैं, आप अपने प्रयास से लगे रहो कि मैं ऐसे कैसे नहीं निकलेगा मेरे मुख से नाम, मैं लेता रहूंगा कैसे नहीं निकलेगा, अंत में ही नहीं निकलेगा। और अगर कोई व्यक्ति कृपा पे निर्भर रहे कि नाम तो ले रहा हूं पर ठाकुर जी अंत में आप आके बुलवाओगे तो निकलेगा, नहीं तो अंत में तो कोमा में मर रहे हैं लोग, पता ही नहीं लग रहा कि कहां है कहां नहीं। और नहीं तो ठाकुर जी आके कान में वो बोलते मैं बोल के जाऊंगा, श्रीमन महाप्रभु का प्रॉमिस है, कोई उन पे श्रद्धा रखे वो कान में आके नाम बोल के जाएंगे और कल्याण करेंगे। तो इसीलिए उनके लिए भगवत धाम लेके जाना बड़ा सरल है और हमारे लिए भगवत धाम पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हम सोचे मैं कुछ करके पहुंच जाऊंगा, नहीं जाया जाएगा। देखने में आता है कि ये वेश्यागामी जो है ये मंदिर में अधम मचा रहा है, कुत्ता बेचारा देखो भूख से भिलक रहा है, ये वो कर रहा है, वो चूहा बेचारा जलती बाती लेके मर गया, ये तो हमें दिख रहा है, हो क्या रहा है वो अलग लीला हो रही है उनके साथ, क्या कृपा हो रही है ये हम समझ नहीं सकते। तो अपनी बुद्धि से हम लोग अपनी बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग ना करें कि ये करने से होगा, षड्यंत्रबाजी करने से नहीं होगा। हर कोई अपनी प्रगति चाहता है, हर कोई अपने सुख के लिए कार्य करे, करता रहे, वो समस्या नहीं है। अकर्म करने को नहीं बोला कि करो ही ना, करो जो बोला जो आज्ञा है ये करें। अब जो बोला जो आज्ञा है उसमें कृपा भगवान करेंगे और अंत में कल्याण कृपा से ही होगा, जो कल्याण है वो कृपा से ही होगा।
और किसी चीज से संभव नहीं है। हमारी कोई हमारी योजनाएं दरी की दरी रह जाएंगी, हम कुछ भी सोचते रहे ये कर, हमारी योजनाएं यहाँ कल की नहीं चलती। हम आज सोचते हैं कल ये करेंगे, वो कल खत्म हो जाती है योजना, तो जीवन की तो क्या योजना चलाएंगे, या दो घंटे की योजना काम नहीं करती। तो इसीलिए भगवान की योजना पर निर्भर रहें, समय भगवान का प्रतिनिधि है, जो वो बोले वैसे ही करके, जैसा उन्होंने बोला वैसे ही करें। तो विप्र कहे मूर्ख आमी, शब्द अर्थ ना जानी, शुद्ध अशुद्ध गीत पढ़ी, गुरु आज्ञा मानी। बस यही निचोड़ हमारे, जो बोल दिया बस यही करेंगे। और यही बात भीष्म पितामह ने अपने अंतिम संदेश में उनको समझाई। अब श्रीमन महाप्रभु ने उनको देख के ये बोला, सब लोग चुप हो गए कि भाई महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि भाई ये सही से अर्थ जाने। और फिर महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को ये बात समझाई कि ये जो ये कर रहे हैं ये सही रूप से ये समझ पाए, इनका भगवान के साथ संबंध जुड़ गया, यही तो करना है। वेंकट भट्ट को अलग 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 प्रकार से भगवान ने बहुत सारी लीलाओं का बताया, गोपाल भट्ट पे बहुत कृपा करी। गोपाल भट्ट एक दिन जब भगवान के, अब भगवान का देखो चरण सम्मान, भगवान का स्पर्श किसी को हो जाए, अभी हमने कितनी लीलाएं सुनी जहाँ जहाँ भगवान चलते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जिसको स्पर्श कर रहे हैं वो उसके मुख से हरि नाम निरंतर निकल रहा है, प्रेम प्राप्त हो गया, रुकता नहीं है। इन्होंने तो फिर भगवान का चरणामृत पाया, रोज भगवान के चरण सम्मान करते हैं। तो एक दिन गोपाल भट्ट बोलते रात को जब अपने कक्ष में गए भगवान के चरण सम्मान करके, तो इन्होंने भगवान के सोचा कि भगवान ये तो महाप्रभु तो मुझे अभी अभी सन्यासी रूप में दिख रहे हैं, ये पहले कैसे दिखते होंगे, इनका क्या आकर्षण होगा। देखो सन्यासी वेश में पूरा सिर मुंडवा लिया सब, आज इनका इतना आकर्षण है तो पहले इनका कैसे आकर्षण होगा, इनका क्या जीवन रहा होगा, कौन इनके माता पिता होंगे, ये भी तो कभी माता पिता के घर में रहे होंगे, आज जो सब छोड़ के आए हैं, ये सब वो सोचने लगे। एक बालक तो यही सोचता है भाई, जैसे अब हम भी बच्चे को कुछ भी दिखाते हैं तो वो माता सबसे पहले पूछते हैं इसके पापा कौन है, इसकी मम्मी कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो इतने सारे क्वेश्चन बोलते हैं, हम दिखाते नहीं, बोलते ये छोड़ दूसरी चीज। तो गोपाल के मन में भी बड़ी सारी बातें आई, भाई इनके मम्मी कौन होगी, इनके पापा कौन होंगे, ये उस वक्त क्या करते होंगे, ये क्या करते होंगे, ये सब सोचते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी सो गए। और बोलते जब सोए तो अभी आधी नींद में ही जैसे उनके आगे पूरी एक जैसे मूवी चलने लगती, एक पूरी रील चलने लगी, और उन्होंने सब देखा, श्रीमन महाप्रभु को जन्म से देखा कि अब ये इनका जन्म हुआ, ऐसे ऐसे इन्होंने बाल लीलाएं करी, ऐसे ऐसे ये विद्यालय में गए पढ़े, ऐसे ऐसे इन्होंने विद्या विलास किया, फिर उसके बाद जब इन्हें भक्ति प्राप्त हुई, ये हुआ वो हुआ, सब देखा। और देखते देखते कहाँ तक आ गए, जहाँ श्रीवास आंगन में संकीर्तन हो रहा है। जो देखा श्रीवास आंगन में, वो इतना भव्य संकीर्तन हुआ करता था, ऐसा संकीर्तन हो रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है, और स्वप्न में ही नित्यानंद प्रभु आए। देखो नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना श्रीमन महाप्रभु की प्राप्ति नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो धनी है जिनका धन श्रीमन महाप्रभु है, वो देते हैं ये महाप्रभु रूपी धन। तो उनके स्वप्न में संकीर्तन चल रहा है, गोपाल देख रहे हैं संकीर्तन चल रहा है, और नित्यानंद प्रभु आए और नित्यानंद प्रभु ने उनकी बाजू पकड़ के खींच के उनको श्रीमन महाप्रभु के चरणों में डाल दिया। ये लो महाप्रभु, ये आपको मेरी तरफ से भेंट, ये गोपाल भट्ट को भी पकड़ो, इसको भी आश्रय दो, इसको भी स्वीकार करो। जो उसने ये देखा, गोपाल भट्ट ने तो एकदम खड़ा हो गए, ये देखो ये क्या नित्यानंद प्रभु, ये कौन, अभी तो जानते नहीं वो नित्यानंद प्रभु को, ये कौन आए मेरे स्वप्न में जिन्होंने मुझे श्रीमन महाप्रभु को सौंप दिया। भागते हुए वापस श्रीमन महाप्रभु के कक्ष में गए तो श्रीमन महाप्रभु बैठे हुए थे, जैसे कोई पलंग पे पैर नीचे रख के बैठता है ऐसे बैठे हुए थे। बैठते ही जाते ही उनके चरण पकड़ दिए और उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्यों नहीं मेरे पे कृपा करते, अब तो नित्यानंद प्रभु ने भी मेरे को आपके आश्रय में डाल दिया, आप क्यों बार बार मुझे अलग कर देते हो, मुझे अपना ठीक से स्वरूप क्यों नहीं बताते, ठीक से स्वरूप मतलब कि ये साक्षात भगवान है, मुझे अपना ठीक से स्वरूप क्यों नहीं दिखाते, मुझे बताते क्यों नहीं आप कौन हो, आप मेरे साथ ऐसा कपट व्यवहार क्यों कर रहे हो। ये सब बोलते 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 गोपाल भट्ट गोस्वामी ने जैसे ही ऊपर देखा तो चैतन्य महाप्रभु के नहीं गौरांग महाप्रभु के दर्शन हुए, वही केशों के साथ वही सब बाल के साथ सब ऐसा देखा, हैरान हो गए कि अरे यही तो मैंने अभी स्वप्न में देखा था, बिल्कुल यही छवि तो मैंने देखी थी। आँख मूंद के बोलते नीचे देखा और फिर जब ऊपर देखा तो श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं, साक्षात भगवान कृष्ण मुरली दबाए बैठे। उसने बोले ये क्या हो रहा है, ये नीचे देखा फिर ऊपर देखा तो श्रीमन महाप्रभु चैतन्य स्वरूप में बैठे।
बोले आओ गोपाल भट्ट, बैठो ऊपर बैठो। बोले आप मेरे को ये सब दर्शन क्या कैसे, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है। बोले नित्यानंद प्रभु आए आपके सामने, सौंप दिया आपको, आज से तुम मेरे हो। श्रीमन महाप्रभु ने गोपाल भट्ट, आज से तुम मेरे हो, तुम चिंता ना करो। और उसके बाद से बोलते गोपाल भट्ट को भगवान इतनी इतनी लीलाओं के बारे में बताते, भगवान कृष्ण की लीलाओं का बताते, सब कुछ बताते, कहीं कहीं उनको अंदर की और लीलाएं इंट्रिंसिक सब गोपाल भट्ट गोस्वामी को समझाते। करते 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 चतुर्मास बीत गया। अब चतुर्मास बीत गया तो अब गोपाल भट्ट बोलते भाई मैं आपके बिना तो रह ही नहीं सकता, मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, आप जाओगे नहीं। उन्होंने महाप्रभु ने बोला देखो अभी तो मुझे जाना पड़ेगा। वेंकट भट्ट बोले भाई हम तो आपके साथ चलेंगे, हम बीवी बच्चा सब पीछे 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 आपके चलेंगे। उन्होंने कहा देखो ये तो संभव नहीं है। और गोपाल भट्ट को बोला कि आप भी अभी यहीं रहिए, अपने माता पिता का ठीक रूप से ध्यान रखिए। तो गोपाल भट्ट बोले कि भाई मैं आपके बिना रह नहीं सकता। तो श्रीमन महाप्रभु ने अब चतुर्मास जो है बस समाप्ति पे है। तो अब जैसे श्रीमन महाप्रभु का एक स्टाइल है आपने पीछे देखा ना, वो 6-7 दिन पहले ही बता देते हैं कि भाई मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि उन्हें पता है अब ये इतनी फोर्स से रोकेंगे एकदम चतुर्मास के एंड में बोला मैं जाने वाला, तो जाने नहीं देंगे, ये 6-7 दिन हो गए। तो अभी 6-7 दिन पहले ही श्रीमन महाप्रभु ने बोले अब तो निकलना होगा, अब तो बस चतुर्मास खत्म होने। वेंकट भट्ट ने बोली भाई प्रभु अब देखो ये ऐसे नहीं है कि बस खत्म होने वाला निकलना होगा, खत्म होने दो, जब पूरा खत्म होगा आप निकल जाना। बोले फिर आप रोकना नहीं, जब पूर्ण हो जाएगा तो पूर्ण होते ही अगले दिन निकलना होगा, आपके यहाँ इतना रहे आप रोकना नहीं। उन्होंने कहा बिल्कुल आपको नहीं रोकूंगा, आप उस समय निकल जाना। अब उस समय जब आखिरी के मान लो 5-6 दिन लगभग रह गए, तो श्रीमन महाप्रभु ने फिर विशेष गोपाल भट्ट पे तो खूब कृपा करे हैं, अब विशेष रूप से कृपा वेंकट भट्ट पे। वेंकट भट्ट को एक दिन श्रीमन महाप्रभु ने, अब वेंकट भट्ट के साथ जो उनका संबंध है वो ऐसा बताया जाता है एकदम मित्रवत व्यवहार है वेंकट भट्ट के साथ, मित्रों के साथ। 4 महीने से घर पे हैं तो एकदम दोस्ती जैसे उनका हो गया। तो उनको जो वेंकट भट्ट हैं ये क्योंकि वहाँ पे पुजारी हैं तो ये पूजा भी लक्ष्मी नारायण की ही करते थे ऐश्वर्य भाव से। तो महाप्रभु ने एक दिन उन्हें हंसते हुए बोला कि भाई वेंकट ये आप जो पूजा करते हो लक्ष्मी जी की, ये तुम्हारी लक्ष्मी जी वैसे तो नारायण के वक्ष में रहती हैं लेकिन ऐसे तो हमारे कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने में लगी रहती हैं, ये भी भागती हैं कि कृष्ण के साथ संबंध हो जाए। और हमने तो ऐसा भी सुना है कि उन्होंने वैकुंठ छोड़ के कई कल्पों तक तपस्या करी कि वो कृष्ण का संग पा सकें। तो अब वेंकट भट्ट बोलते कि प्रभु देखो ऐसा है, मैं ज़्यादा तो जानता नहीं हूँ मगर लक्ष्मी और किशोरी जी में तो कोई भेद नहीं है, वही हैं, और कृष्ण और नारायण में भी कोई भेद नहीं है, वही हैं, तो उनका कोई सत्यत्व का नाश तो नहीं हुआ भाई, वही नारायण है, वही कृष्ण रूप में है, तो वो कृष्ण रूप में उनको अगर पाने के लिए जाती हैं तो कोई समस्या तो नहीं है, आप ऐसे बोलते हो, कोई दिक्कत तो नहीं लगती मेरे को इसमें भाई, वही है कृष्ण है नारायण है कृष्ण रूप में आ गई। तो भगवान बोलते अच्छा पता नहीं ऐसा क्यों है कि मैं भागवतम में देखता हूँ तो ऐसा दिखता है कि कालिया नाग जो है, नाग कालिया नाग सबको तंग करता था, उसको भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई, भगवान उसके वन पे नाच रहे, पर लक्ष्मी जी को चरण नहीं प्राप्त हुए, ऐसा क्यों, ये समझ नहीं आई भाई, वो तो नारायण ही है अगर वो कृष्ण तो उनको क्यों नहीं प्राप्ति हुई। तो वो अब वो बोलते कि मैं कोई लीला होगी उनकी, बोले नहीं लीला क्या, तो सबको प्राप्ति हुई है। अब देखो श्रीमन महाप्रभु का लक्ष्मी के ने ना पाइला एहार की कारण, तप करी कैचे कृष्ण पाइला श्रुतिगन, जितनी श्रुतिगन थी वो भी सब गोपियों रूप में आ गई, उनको भी सबको रास लीला में प्रवेश मिल गया, और लक्ष्मी जी ने बड़ा प्रयास किया लेकिन तब भी उनको रासलीला में प्रवेश नहीं मिला। तो वेंकट भट्ट बोलते कि भाई देखो ऐसा है, आप ईश्वर स्वरूपों में जानता हूँ, आप क्या कहना चाह रहे हो आप मेरे को बता दो, भाई ये कहना चाहता हूँ भाई, मुझे आपसे ज़्यादा तो मैं आर्ग्यूमेंट कर नहीं सकता ना, मेरी समझ है इतनी, मैं तो बहुत छोटा हूँ मेरे को कोई समझ में भी नहीं आती। प्रभु कहे कृष्णेर ए स्वभाव विलक्षण, कृष्णेर का ये भगवान का कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण, स्वमधुर्य सर्वचित्त करे आकर्षण, बोलते भाई कृष्ण का यही एक स्वभाव है
कि वो स्वमधुर अपने माधुर्य से सबके चित्त का आकर्षण कर लेते हैं। मगर तब भी तो क्योंकि वो सबके चित्त का आकर्षण कर लेते हैं तो लक्ष्मी जी के भी चित्त का आकर्षण कर, लेकिन तब भी लक्ष्मी जी को प्राप्ति नहीं हुई कृष्ण की। ये बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलते आप मेरे से ना पूछें, आप मुझे बताएं कि क्यों प्राप्ति नहीं हुई, क्या करना है भाई, शरणागत हूँ मैं तो वैसे ही अपने हाथ नीचे धरे बैठा हूँ, मैं थोड़े ना आपसे कुछ कह रहा हूँ, आप बताओ कि क्या करना है क्या नहीं करना। अब इसीलिए वो मजाक में कह रहे कि सीधा एकदम, देखो अभी अभी हम यही चलते, कोई सीधा किसी की पूजा कर रहा हूँ हम, बोले नहीं भाई तू गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर, ये तेरे से ऊपर तो हमारे भगवान है, बात अच्छी नहीं लगती, समझ में नहीं आती और असभ्यता भी है इस प्रकार से बोलना। तो उन्होंने बोला तो फिर क्यों नहीं करती, तो भगवान ने श्रीमन महाप्रभु ने उन्हें बताया कि देखो ऐसा है, ब्रज लोकेर भावे यही करे भजन, सही जन पाए ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन। ब्रज भाव से जो व्यक्ति भजन करता है उसको ब्रजेंद्र नंदन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी जी जो हैं वो चाहती तो थी भगवान कृष्ण के साथ संबंध बनाना, भगवान कृष्ण की रासलीला में प्रवेश करना, पर ब्रज भाव से नहीं कर पाई, वो अपने लक्ष्मी के स्वरूप से ही करना चाहती थी। वो तपस्या तो बहुत कर रही हैं, भगवान की पूजा इत्यादि तो बहुत कर रही हैं, भगवान को मनाने में तो लगी हैं, लेकिन अपना लक्ष्मी स्वरूप त्यागने को तैयार नहीं है, वो गोपी बनने को तैयार नहीं है, वो गोपियों के शरणागत होने को तैयार नहीं है, वो अपने स्वरूप से ही लीला में प्रवेश पा सकती है। पर ब्रज में जो है, ब्रज में तो कान्हा को कोई लात मारे, उनके मुंह से निवाला उनके मित्र निकाल लेते हैं, वो निकाल ले, उनको कोई छड़ी से मैया मारे, उनको बांध दे, तब भी ब्रज भाव में अगर है तो भगवान उनके अंडर हो जाते हैं, भगवान उनके शरणागत हो जाते हैं। पर अगर ब्रज भाव में नहीं है तो फिर चाहे लक्ष्मी भी आ जाए, फिर भगवान उनके साथ अपना संबंध नहीं रखते। क्यों? क्योंकि ब्रज जो है वो ऐश्वर्य शून्य है। तो एक श्लोक श्रीमद् महाप्रभु ने अब श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद 9वें अध्याय 21वें श्लोक उन्हें बताया, बड़ा प्रमुख श्लोक है ये। नयम सुखापो भगवान देहि नाम गोपिका सुता, ज्ञानी नाम च भूता नाम यथा भक्ति मताम इहा। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। नायम सुखापो भगवान, भगवान को कोई सुखी नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता? जो देही नाम, जो अपने देह को ही सत्य मानता हो अभी तक, जो देह आवेश में ही हो, जो बड़ा ज्ञानी बनता हो, चाह आत्मभूता नाम, जो सोचता हो कि मैं ये तपस्या करके, ऐसे करके, ये ऑस्टेरिटी करके भगवान को पालूंगा, ये सब भगवान को सुख नहीं दे सकते। तो कौन भगवान को सुख दे सकता है? यथा भक्ति मताम यहा, जो भगवान की भक्ति स्वरूप से, जो भगवान को ब्रज स्वरूप से, गोपिका सुता, जो भगवान को गोपिका सुता मानी, जो ब्रज का लाला समझ के, जो ब्रजेंद्र नंदन समझ के भगवान की आराधना करते हैं। इसीलिए भगवान का जो प्रमुख स्वरूप है कृष्ण का, वो वृंदावन में है। अब आप ये कहते हो, अब उन्होंने अब उनका उत्तर दिया वेंकट भट्ट का, आप ये कहते हो कि नारायण ही कृष्ण है और लक्ष्मी का ही सारा विस्तार है, जो गोपियाँ बनी हैं सब यही हैं, तो आप मुझे ये बताओ, ये तो पढ़ने में आता है कि लक्ष्मी आई कृष्ण के पास रासलीला में प्रवेश करने के लिए, आप मुझे वो बताओ कि कब राधिका गई वहाँ पे नारायण का संग पाने के लिए, कब कोई गोपी यहाँ से ललायित हुई नारायण का संग पाने के लिए, ऐसा कहीं हुआ क्या? बल्कि जब एक बारी कृष्ण ने नारायण स्वरूप ले लिया था, खेल खेल में भगवान छुप रहे थे, छुपन छुपाई चल रही थी, भगवान छुपे हुए थे, और अब जब भगवान पकड़े गए, जब देखा कि गोपियां सब सामने आ गए, तो नारायण स्वरूप ले लिया एकदम से भगवान ने, और जैसे ही नारायण स्वरूप ले लिया तो किशोरी जी ने कहा फटाफट आरती का थाल लाओ, सब लाओ, इनकी आरती करो, भगवान आए, सब आरती वारती करी, सब आरती हुई, और उनको बोला आपने कहीं कृष्ण को देखा है, हम उनको ढूंढने जा रहे हैं, और उनको ढूंढने निकल पड़ी। और जब बोलते किशोरी जी समक्ष से निकली तो उनके प्रेम से उनके जो दो, अब चार हाथ वाले नारायण बने थे, वो दो हाथ विगलित हो गए, वो गल गए, वो दो ही हाथ रह गए, और जब उन्होंने देखा कि ये तो कृष्ण है, इन्होंने नारायण स्वरूप बना लिया था, तो किशोरी जी मान में चली गई। बड़ा समय लग गया श्याम जी को मनाने के लिए, और फिर किशोरी जी ने बोला आज कर दिया, दोबारा मत कर देना, ये नारायण स्वरूप जो है ये अपना उधर रखना, यहाँ ना लाना, ये ब्रज है, यहाँ ऐश्वर्य बिल्कुल नहीं।
आज जो आपने गलती कर दी शाम जो, अब ना करना ही है। तो हाथ जोड़ के नहीं, अब नहीं बोलते, ये है। तो कोई गोपी नहीं जा रही नारायण के पास, लक्ष्मी जी आ रही है। ऐसा कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण स्वमधुर सर्वचित्त करे आकर्षण, ये कृष्ण का स्वभाव है, वो सर्वचित्त को आकर्षण कर लेते। वेंकट भट्ट बोले, प्रभु अब मैं समझ गया हूँ आप जो समझाना चाह रहे थे। कहने का तात्पर्य कि लक्ष्मी नारायण की पूजा भी है। उन्होंने कहा वो है, सेम है जो आप पहले तत्व तो बोल रहे थे, लेकिन सर्व आकर्षण कृष्ण है। तो उन्होंने आज के बाद वेंकट भट्ट ने भी फिर भगवान कृष्ण की, राधा कृष्ण की पूजा इत्यादि सब प्रारंभ कर दी। उसके बाद गोपाल भट्ट को उन्होंने बोला अब आप भी यहीं रहो। कब तक रहूं? उन्होंने बोला जब तक आपके माता पिता अभी हैं आप यहीं रहो, इनके साथ रहो, जब इनका देह अवसान हो जाएगा तब आप मेरे पास आना। आपकी सेवा मेरे साथ नहीं है, आपकी सेवा वृंदावन में है। जब आप तब आओगे तब मैं आपको बताऊंगा क्या क्या सेवा करनी है, तब तक आप यहीं रहो। वेंकट भट्ट को विशेष रूप से श्रीमन महाप्रभु ने बोला वेंकट ये ध्यान रखना, ये गोपाल मेरा है, मेरी संपत्ति को तुमने संभाल के रखना है, इसको खूब पढ़ाओ लिखाओ और विवाह मत करना, ये मेरे सेवा करेगा बहुत, लीलाओं में बहुत अभी आगे जाना है इसने, तो आप इसका विवाह नहीं करना, पंडित बनाना, खूब पढ़ाना लिखाना है इसे, यही आपकी सेवा है। वेंकट भट्ट ने कहा प्रभु बस वही आपका है, हम आपके नहीं है। वह नहीं, वो तो हो आप, लेकिन विशेष रूप से गोपाल मेरा, आप इसका ध्यान रखना। ये सब भगवान श्रीमन महाप्रभु उनको इस प्रकार से बोल के और गोपाल भट्ट और वेंकट भट्ट को फिर छोड़ के आगे गए। और फिर जब आगे गए तो अब मिलेंगे फिर रामानंद राय से, फिर उसकी चर्चा अगली बार करेंगे। जय राम।